गाइस, ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो F25 Pro आ गया है मेरे पास। एक दो दिनों में आईको Z9 एंड नथिंग फोन 2 भी आ जाएगा। तो आज हम ओप्पो F25 Pro का बैटरी रेट टेस्ट करेंगे, साथ में तीन और स्मार्टफोन हैं, सब में एक बात कॉमन है, सबका बैटरी का साइज 5000 mAh। ओप्पो F25 Pro में मिल जाएगा मीडियाटेक का डेमेसिटी 7050, पोको X6 Pro में मीडियाटेक का डेमेसिटी 8300 अल्ट्रा, रियलमी 12 Pro Plus में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 एंड रेडमी नोट 13 Pro Plus में डेमेसिटी 7200 अल्ट्रा। एंड ये चारों स्मार्टफोन 8GB रैम वेरिएंट है। गाइज, Redmi Note 13 Pro Plus ओनली स्मार्टफोन है जो अभी भी Android 13 बेस्ड MIUI 14 पे रन कर रहा है। Oppo F20 Pro में Android 14 बेस्ड ColorOS 14 मिल जाएगा। Poco X6 Pro जो ऑलरेडी Android 14 बेस्ड HyperOS पे रन कर रहा था, एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आया है HyperOS का 1.0.6.0 मार्च के सिक्योरिटी पैच के साथ। एंड Realme 12 Pro Plus में Android 14 बेस्ड RealMeUI 5.0 मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच Redmi Note 13 Pro Plus में अभी भी जनवरी का है, Realme एंड Oppo में फरवरी का। ये चारों स्मार्टफोन ही 120Hz AMOLED डिस्प्ले वाला है, बट Oppo एंड Realme में फुल HD प्लस, Poco एंड Redmi Note 13 Pro Plus में 1.5K रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। पीक ब्राइटनेस Oppo में मिलेगा 1100 nits, Poco एंड Redmi में 1800 nits एंड Realme 12 Pro Plus में 950 nits, और बैटरी है सब में 5000 mAh का। तो सारे स्मार्टफोन को मैंने 120Hz पे सेट कर दिया है एंड सारे स्मार्टफोन का बैटरी फुल है एंड सब में जियो का 5G सिम लगा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इन चारों स्मार्टफोन का स्टैंड बाय मोड पे कितना बैटरी ड्रेन होता है। अभी 12:12 हो रहा है, सुबह मिलेंगे 10:12 के आसपास में, यानी 10 घंटे में हम चेक करेंगे कितना बैटरी ड्रेन करता है ये चारों स्मार्टफोन। गुड मॉर्निंग गाइज, 10 मिनट लेट हो गया है, 10:22:23 हो रहा है एंड 10 घंटे के बाद भी F20 Pro में 1% भी बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है रात भर में 10 घंटों में। Poco X6 Pro 97 पे दिख रहा है 3% बैटरी ड्रॉप हुआ है, Realme 12 Pro Plus में भी 3% बैटरी गया 97 पे दिख रहा है एंड Redmi Note 13 Pro Plus भी 100 पे दिख रहा है नो बैटरी ड्रेन। अब गाइस, हम एक घंटा YouTube शॉर्ट्स प्ले करेंगे। चारों स्मार्टफोन जियो 5G नेटवर्क के साथ है एंड चारों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस लेवल मैंने एकदम फुल कर दिया है मैक्स पे एंड वॉल्यूम 70% के आसपास है। ओके, तो एक घंटा हो गया शॉर्ट्स चलाकर, ओप्पो 91 पे दिख रहा है, 100 पे था, 9% बैटरी इसने ड्रेन किया है। पोको X6 Pro 97 पे था, 88 पे दिख रहा है, 9% बैटरी इसने भी ड्रेन किया है। Realme 12 Pro Plus 97 पे था, 90 पे दिख रहा है, 7% बैटरी गया इसका एंड Redmi Note 13 Pro Plus फुल था बैटरी इसका, 92 पे दिख रहा है, 8% बैटरी गया है। अब गाइस, हम रील्स प्ले करेंगे सेम सेटिंग्स पे, यानी ब्राइटनेस एकदम फुल रहेगा और वॉल्यूम 70% के आसपास रहेगा। फिर से याद दिला दूं, इस तरह के वीडियोस को शूट करने में, एडिट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है और थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी। तो अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके गाइस, तो एक घंटा हमने रील्स भी चला लिया, चलिए देखते हैं बैटरी कितना ड्रेन हुआ है इस घंटे। ओप्पो F25 Pro 91 पे था, 79 पे दिख रहा है, 12% बैटरी गया है। Poco X6 Pro थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन हो गया है, 88 पे था, 70 पे दिख रहा है, 18% बैटरी ड्रेन किया है रील्स चलाकर। Realme 12 Pro Plus 90 पे था, 80 पे दिख रहा है, 10% बैटरी ओनली ड्रेन हुआ है एंड Redmi Note 13 Pro Plus 92 पे था, 81 पे दिख रहा है, 11% बैटरी इसमें ड्रेन हुआ है। अब गाइस, हम 2 घंटे BGMI खेलेंगे स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। वैसे Poco में स्मूथ के साथ 90 FPS आपको मिल जाएगा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस में भी सबसे बेटर है, सबसे तगड़ा है Poco X6 Pro। बैलेंस्ड के साथ अल्ट्रा मिलेगा Oppo में, Poco Redmi एंड Realme में एक्सट्रीम मिल जाएगा। HD एंड HDR सेटिंग्स के साथ भी Oppo में अल्ट्रा मिलेगा, बाकी तीनों में एक्सट्रीम मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेमिंग स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स में 2 घंटे के लिए सेम सेटिंग्स पे, यानी ब्राइटनेस फुल रहेगा और वॉल्यूम 70% के आसपास रहेगा। ग्रेट, तो 4 घंटा हो गया है, देखते हैं 2 घंटे में ओप्पो ने कितना बैटरी ड्रेन किया है। 79 पे था, 38 पे दिख रहा है, 41% बैटरी ड्रॉप हुआ है 2 घंटे में एंड Poco X6 Pro नया सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन इसमें थोड़ा कम हुआ है। गेमिंग में 70 पे था, 32 पे दिख रहा है, ओनली 38% बैटरी ड्रेन हुआ है। लास्ट 2 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है Poco X6 Pro में।
अगर बैटरी लाइफ की बात करूँ तो। वैसे परफॉर्मेंस में थोड़ा वीक Realme 12 Pro Plus ने बैटरी ड्रेन थोड़ा ज्यादा ही कर दिया है। 80 पे था, 37 पे दिख रहा है 43% 2 घंटे में। Redmi Note 13 Pro Plus ने भी थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर लिया है। 81 पे था, 36 पे दिख रहा है 45% 2 घंटे में। लॉन्च इवेंट में बताया गया था कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट यानी HyperOS का एकदम रेडी है, बट ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया है नो अपडेट। तो चलो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। यूट्यूब पे 1080p वीडियो प्ले करते हैं 2 घंटे मैक्स ब्राइटनेस के साथ। वैसे ये चारों स्मार्टफोन 4K वीडियोस प्ले कर सकता है यूट्यूब पे। ग्रेट, तो 5G सिम के साथ ये चारों स्मार्टफोन ने 6 घंटा कंप्लीट कर लिया। एंड 2 घंटा यूट्यूब पे वीडियो प्ले करने के बाद ओप्पो F25 प्रो ने 23% बैटरी ड्रेन किया है। 38 पे था, 15 पे दिख रहा है। पोको X6 प्रो 32 पे था, 7% पे दिख रहा है, 25% बैटरी इसने ड्रेन किया है 2 घंटे में, थोड़ा ज्यादा ओप्पो से। रियलमी 12 प्रो प्लस ने भी 23% बैटरी ड्रेन किया है, 37 पे था, 14 पे दिख रहा है। एंड रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 36 पे था, 9 पे दिख रहा है, 27% बैटरी इसमें ड्रेन हो गया है 2 घंटे में, यानी चारों में सबसे ज्यादा। अब गाइस हम टास्क रिपीट करते हैं, रील्स प्ले करते हैं फिर से 1 घंटे के लिए मैक्स ब्राइटनेस के साथ। पोको X6 प्रो में मैंने लास्ट 2 अपडेट से एक चीज नोटिस किया है, एंड का जो 2-3% होता है ना, ये एकदम फटाक से खत्म हो जाता है। 10 मिनट आराम से और एक्स्ट्रा चल सकता था, बट 7% एंड का ओनली 19 मिनट चला। 6 घंटे 19 मिनट में 5000 mAh बैटरी वाला पोको X6 प्रो नए अपडेट के साथ डेड। सेम फैमिली का Redmi Note 13 Pro Plus MIUI 14 के साथ 9% बैटरी जो था इसका बचा हुआ 36 मिनट चला। 6 घंटे 36 मिनट चला Redmi Note 13 Pro Plus। गाइस Poco X6 Pro का अगर एंड का 2-3% थोड़ा एक्स्ट्रा चलता तो ये Redmi Note 13 Pro Plus को बीट कर सकता था। फिर भी मैं कहूंगा कि Poco X6 Pro जिसके बैटरी को लेकर सब कंप्लेन कर रहे हैं, बैटरी बैकअप एक्चुअली इतना बुरा नहीं है इसका। बाकी Oppo एंड Realme ने 7 घंटा कंप्लीट कर लिया। Oppo F25 Pro 4 पे दिख रहा है, 11% बैटरी ड्रेन किया है। Realme 12 Pro Plus 1% पे दिख रहा है, कभी भी ये डेड हो सकता है। तो चलो फटाफट से BGMI स्टार्ट करते हैं, एंड उससे पहले ही Realme 12 Pro Plus डेड हो चुका एग्जैक्टली 7 घंटे में। एंड का 14% एक्चुअली रील्स 1 घंटे चला, थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन हो गया इस घंटे। अब चलो BGMI स्टार्ट करते हैं, देखते हैं Oppo F25 Pro का 4% कितनी देर चलता है सेम सेटिंग्स के साथ, यानी स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे हम गेमिंग करेंगे मैक्स ब्राइटनेस के साथ। गाइस एक छोटा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, जो एंड का सीन था ना डेड होने का Oppo F25 Pro का, वो फुटेज मुझसे गलती से डिलीट हो गया। 5000 mAh बैटरी वाला Oppo F25 Pro 7 घंटे 12 मिनट कुछ सेकंड्स चला था, इनका 4% 12-13 मिनट चला BGMI Oppo F25 Pro में। Oppo ने ऑलमोस्ट 1 घंटा ज्यादा दिया बैटरी बैकअप Poco X6 Pro से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और नए स्मार्टफोन के साथ। बाकी आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।